उसका कई गुनाम से महंगाई के नाम पे वसूल ले रहे। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करने आए हैं और हम प्रधान जी हैं, हम आपका घर के और आपके बीच रहने वाले हैं। आप जाएंगे आगे कार्यालय का इंतजाम हमारा है, बाकी और जो लोग लड़ रहे हैं कोई यहाँ रहने वाला नहीं, चुनाव तक रहेंगे उसके बाद चले जाएंगे। अगर आप उनसे मिलना भी चाहोगे तो नहीं मिल पाओगे। और हम तो यही के बगल तिलोरी घर है, नंदीधाम यहाँ पर गांव कार्यालय है, तो हम तो कहीं जाने वाले वाले नहीं है। इसलिए आप सब घर के हैं और मैं आपके बेटे भाई की तरह, क्योंकि चुनाव समय बहुत कम बचा हुआ है, 3 या 4 प्रचार है और 5 चुनाव। इसलिए हम लोग आपसे निवेदन करने आए सभी ग्रामवासियों से कि आने वाले 27 फरवरी को मतदान करिएगा। और इस गांव का जो मेन मुद्दा है रवनिया से हरे हुआ जाने वाली रोड पक्की की और तीनों नहर जुग कराने के लिए और पूरापुर में पुलिया से बड़ी रवनिया तक नहर तक इंटरलॉकिंग की। और इसके साथ साथ पिछली बार बारी कारण से गांव लोहिया नहीं हो पाया, अब उसमें कारण था वो, लेकिन इस बार मैं क्या बताना चाहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ इस बार ये सबसे पहले हमारे कलम से कोई लोहिया गांव होगा तो रवनिया होगा। सबसे सबसे पहले जब लोहिया गांव हो जाएगा तो समझिए उसमें सड़क से ले नाली से लेके इसी रोड लेके इंटरलॉकिंग से लेके पुलिया जितना चाहोगे सब बन जाएगा। और हमारी महिलाओं को 15% समाजवादी पेंशन मिलेगी यानी 60 में 18,000 रुपए सभी महिलाओं को मिलेगी। और हम लोग पूरी बिजली देने का काम करेंगे, जिन्होंने आज बिजली बिल कई गुना बढ़ा दिए हैं, 500 महीना मिला मिला था, हम लोग फ्री बिजली बिल देंगे, बिल मिलेंगे और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, सब काम करेंगे। तो आप सबसे जितने लोग यहाँ हमारे गांव के लोग मौजूद हैं, अंत में मुझे यही कहना चाहता हूँ, आपके घर का हूँ, आपके बीच का हूँ, आपका बेटा बेटा, तो आप लोग मदद करिएगा। और इस बार जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आपका आशीर्वाद और विधायक बना तो सबसे पहले साल में ही लोहिया गांव अगर कोई होगा तो ये रवनिया गांव कराने का काम करूंगा। और बगल आपका कार्यालय हमारा रहा है यही रोड नंदीधाम देखेंगे आप लोग, तो आप लोग आते जाते भी रहिए।